हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 26 सितंबर 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 को लेकर आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे हमारी वीडियोज के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 के रिटेंशन के रिगार्डिंग, जहां पर हमें काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आईपीएल की रिटेंशन को लेकर देखने को मिली हैं। सबसे पहले यह बताया गया है कि हमें सभी आईपीएल फ्रेंचाइज को 5 अलग अलग रिटेंशन करने की परमिशन दी जाएगी। इन 5 रिटेंशन में से हमें 3 भारतीय और उसके साथ ही 2 ओवरसीज रिटेन प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आरटीएम कार्ड के बारे में बात की जाए तो इसके बारे में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है हमें कोई भी आरटीएम कार्ड का यूज होते हुए ना देखने को मिले। इसके साथ ही इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हमें आज या फिर कल अनाउंस होते हुए देखने को मिलने वाली है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट हमें देखने को मिली है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की साइट से। अगर आप चैनल के एक्टिव व्यूअर हैं तो हमने आपको काफी पहले ही बता दिया था कि सीएसके की टीम इस बार रविचंद्रन अश्विन को आईपीएल की नीलामी में टारगेट करने वाली है। लेकिन अब अश्विन के साथ ही एक और बड़ा नाम जुड़ चुका है और ये नाम है मोहम्मद शमी का। दरअसल रेव स्पोर्ट्स ग्लोबल ने इस चीज को क्लेम किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी ज्यादा कीन है कि वो रविचंद्रन अश्विन का सीएसके में रिटर्न तो चाहते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही मोहम्मद शमी का भी वो सीएसके की टीम में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मोहम्मद शमी जो एक इंडियन तेज गेंदबाज की कमी इनकी टीम में है उसको पूरा कर सकते हैं। अब क्योंकि ये टीम दीपक चाहर को वैसे भी रिलीज कर ही रही है तो इनको लगता है कि मोहम्मद शमी इनके लिए काफी अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली की टीम की साइड से, जहां पर दिल्ली की ना सिर्फ जो स्टेट टीम है बल्कि इसके साथ ही उनकी जो रणजी ट्रॉफी की टीम है, इवन दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी पास्ट में लगातार अपने होमबॉय विराट कोहली को अपनी टीम में शामिल करने की तरफ देखती रही है। और अब दिल्ली की जो रणजी प्रोबेबल्स की लिस्ट है उसमें विराट कोहली का नाम हमें देखने को मिला है, यानी कि इन्होंने विराट कोहली को होम प्लेयर्स के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि इस साल हमें रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि विराट खेलेंगे या फिर नहीं ये चीज तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इन्होंने अपनी प्रोबेबल्स की लिस्ट में विराट कोहली को डाला है और 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली के नाम को शामिल किया गया है। कमेंट करके आप लोग बताना कि आपके हिसाब से विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी के मुकाबले वापस खेलने चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की साइड से, जहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि डीसी की टीम इस साल हमें डेविड वार्नर को 110% रिलीज करते हुए नजर आने वाली है। और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के रिलीज के बाद क्रिक टैकर की रिपोर्ट्स ने इस चीज को क्लेम किया है कि डेविड वार्नर हमें पीबीकेएस की टीम को ज्वाइन करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के चले जाने के बाद पंजाब किंग्स की टीम, जो कि कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन हमें लेते हुए नजर आती ही है, वो डेविड वार्नर को बैक करना चाहते हैं। उनका मानना है कि वार्नर के अंदर अभी भी आईपीएल के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा क्रिकेट बाकी है, तो ये डेविड वार्नर को पीबीकेएस में शामिल करने की तरफ देख रहे हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रोहित शर्मा की साइड से, जहां पर आज से कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने उन प्लेयर्स को ट्रोल किया था जो कि क्रिकेट से बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं लेकिन उसके बाद वो रिटायरमेंट से ही 4-5 बार बाहर आ जाते हैं। रोहित शर्मा ने कहा था कि ऐसे प्लेयर्स उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और रोहित ने यह भी कहा था कि उनका एक बार रिटायरमेंट लेने का मतलब है कि वो कभी भी T20 क्रिकेट का रिटर्न नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स, जो कि हमें इंग्लैंड की साइड से खेलते हुए नजर आते हैं, और करेंटली उन्होंने कहा था कि वो लिमिटेड ओवर्स को खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलेंगे। अब बेन स्टोक्स ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वापस से वो लिमिटेड इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड हैं, और अगर ब्रेंडन मैकलम उनको वापस बुलाते हैं तो फिर उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में खेलने की भी इच्छा जाहिर की है। पिछले बार स्टोक्स आईपीएल खेलने के लिए नहीं आए थे, तो ऐसे में इस बार उन्होंने कहा कि आईपीएल खेलने में वो इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लेयर्स रिटायरमेंट लेते हैं उसके बाद वापस से रिटायरमेंट से बाहर आ जाते हैं, तो ये कोई भी नई चीज नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम की साइड से। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आरआर की टीम कौन कौन से भारतीय प्लेयर्स को रिटेन कर रही है, और उनमें हमें युवा यशस्वी जायसवाल का नाम भी देखने को मिला था। और अब रिपोर्टेडली यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स की टीम ना सिर्फ रिटेन कर रही है बल्कि इसके साथ ही इनको अपनी टीम का नया वाइस कैप्टन भी अपॉइंट करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि संजू सैमसन इनके कैप्टन होंगे और यशस्वी जायसवाल हमें राजस्थान रॉयल्स के वाइस कैप्टन के तौर पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है रिटेंशन को लेकर। रिटेंशन के रूल्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हमें आज या फिर कल में देखने को मिलने वाली है। तो जैसे ही रिटेंशन की मीटिंग लाइव होती है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल फ्री है और वहाँ पर हम इसे लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं। तो अभी आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।